हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे रियल मी 13 प्रो। तो ये इस तरीके का बॉक्स, यहाँ पे AI लिखा हुआ है, 5G लिखा हुआ है, जो कि इस फ़ोन में मिल जाता है। और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो यहाँ पे बॉक्स जो है पूरा ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेक वगैरह मेंशन है, जो कि आगे वीडियो में बात करते हैं। चलिए फटाफट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाता है एक कवर है, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, पेपर वर्क है और कवर है। कवर की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के साथ। और ये हमारा डिवाइस, जो कि इसे हम साइड में रखते हैं, आगे बात करेंगे। ये 45 वाट का अडाप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाएगी, जो कि है Type-A to Type-C केबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। 6.7 इंच की एमोलेड 120 हर्ट्स की डिस्प्ले मिल जाएगी यहाँ पे। ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। कलर्स वगैरह अच्छे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कलर्स वगैरह शो कर रहा है। बट यहाँ पे आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि 15,000 के फ़ोन में आजकल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप रियलमी अपडेट के साथ उसे इनेबल कर सके, बट अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। और इस फोन में मिल जाता है PWM डिमिंग, जो कि एकदम लो ब्राइटनेस में यहाँ पे कोई भी फ्लिकरिंग वगैरह नहीं होती है। कोई भी आपके आँखों के लिए जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप लो ब्राइटनेस नाइट मोड में यूज़ करते हैं। फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। हमारे पास जो कलर है वो है नेपट्यून ब्लू, और कैमरा का लेंस देख सकते हैं, कैमरा लेआउट यहाँ पे राउंड मिल जाता है। और फ्रेम जो यहाँ पे उसके अराउंड सर्कल बना हुआ है, उस वो भी यहाँ पे मेटल का आपको देखने को मिल जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने ऑन कर लिया, रियलमी UI यहाँ पे लिख के आ रहा है। नीचे में आपको मिल जाता है स्पीकर, माइक्रोफोन, सिम ट्रे, जहाँ पे आप दो सिम लगा सकते हैं, USB पोर्ट। लेफ्ट साइड पूरा खाली है, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। टॉप के साइड में आपको स्पीकर मिलता है, यहाँ पे एक और माइक्रोफोन मिल जाता है। बैक यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लग रहा है गाइस, यहाँ पे IP65 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पानी वगैरह में आप इसे यूज़ कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगी। और यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, जो कि रेन टच का है। यहाँ पे आप आसानी से अगर आपके हाथ भींगे हो तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे कोई इशूज़ नहीं लगे मुझे। फिंगरप्रिंट स्कैनर में कोई इशूज़ नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी UI 5 आपको देखने को मिल जाएगा, विथ एंड्रॉयड 14 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है वो यहाँ पे आपका जून का है, एंड्रॉयड 14 रन कर रहा है। बट यहाँ पे अपडेट जो है वो काफ़ी यहाँ पे कम है, 2 साल के आपको यहाँ पे एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे, यानी कि मतलब 15 और 16 मिलेगा आपको, और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। अपडेट के मामले में थोड़ा सा ये फ़ोन पीछे लगा मुझे, एट द प्राइस ऑफ 27,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है। और यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा, डिसेबल वगैरह करना पड़ेगा काफ़ी सारी ऐप, जो कि आप कर पाएंगे। बहुत सारे ऐप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि अगोडा वगैरह हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, और भी काफ़ी तरह के ब्लोटवेयर यहाँ पे प्री इंस्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। गेम सेंटर आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये एक नई चीज़ लगी, जब भी मैं कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा था यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉपअप आ रहा था, इसे मैंने डिसेबल कर दिया, फिर भी ये स्क्रीन पे आ रहा था, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा इस प्राइस पॉइंट में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो यहाँ पे ठीक है, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कोई भी लैग स्टटर वगैरह नहीं देखा। एनिमेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे ओ हैप्टिक्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फील कराता है ये फ़ोन, जब भी आप कोई टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे अच्छी फील आती है। और यहाँ पे जो आपको मिल जाता है डिस्प्ले में आपको यह फ़ोन में कर्व्ड स्क्रीन है, कर्व्ड स्क्रीन होने की वजह से यहाँ पे आपको एक फ़ीचर मिल जाता है, जो कि प्रिवेंट मिसबिहेव टच, आप उसे इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपका साइड में टच हो या फिर पाम वगैरह टच हो तो उसे वहाँ पे ये रिजेक्ट करेगा, तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं। मैं बात करूँगा कमिंग वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे प्रोसेसर जो मिलता है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, तो गिगबेंच स्कोर देख सकते हैं यहाँ पे, सिंगल कोर है 868, मल्टी कोर है 2780। तो फ़ोन में प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया, बट जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके की नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा ये फ़ोन स्लो लगा कंपेयर टू एनी अदर 7S Gen 2।
तो बैटरी जो है वो यहाँ पे 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है। 66% पे अभी मेरा फ़ोन बैटरी लेफ्ट है, 34% यूज़ हो चुका है, और स्क्रीन ऑन टाइम जो मिली मुझे 5 hours 49 minutes, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है इस फ़ोन के हिसाब से। यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, और रियलमी UI के साथ काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में मैं बात करूँगा। काफ़ी तरह के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस रियलमी UI के साथ। तो कैमरास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 MP का सोनी LYT 600 का सेंसर है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है, और 2 MP का जो कि बेकार फालतू सेंसर है। तो ये यहाँ पे कुछ आपको कैमरा UI देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रो मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, काफ़ी तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 5x तक यहाँ पर आप जूम कर सकते हैं, वीडियो जो है वो यहाँ पर आप 4K 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे AI फीचर मिल जाते हैं, जो कि है यहाँ पे AI इरेजर, जिसे आप किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे ट्राई किया, ये उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, बट आई डोंट नो, थोड़ा सा ये करीब करीब है इस वजह से, या फिर बैकग्राउंड से मैच हो रहा है ये फोटो, इस वजह से हो रहा है। तो देखते हैं आगे, हम और ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है AI क्वालिटी, यहाँ पे आपकी पुरानी फ़ोटो, धुंधली फ़ोटो जो होगी, AI अल्ट्रा क्लैरिटी, तो उसे जो है यहाँ पे और क्लैरिटी दे देगा। तो देखते हैं, ये भी वर्क नहीं कर रहा था, बीटा में भी है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स मैंने अपलोड किए, तो आप यहाँ पे सैंपल्स देख लीजिए। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो रियलमी 13 प्रो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।